ये जो खबर है उसे बताने से पहले हम आपको पहले ही क्षमा प्रार्थी हैं कि ये खबर खास करके कुछ लोगों के लिए कान खोलने वाली है, आंख खोलने वाली है और नाक से सुगंध लेने वाली है कि आप अपने सभी इंद्रियों को खोल करके रखें, आपके साथ किसी भी तरह की साजिश हो सकती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार में लालू प्रसाद और नीतीश कुमार का एक दौर रहा। लालू प्रसाद जहां 15 साल बिहार की गद्दी पर काबिज रहे, उन्हें एक समाजवादी नेता कहा जाता था और कहा यह जाता था कि उन्होंने दबे कुचले लोगों को जो हाशिए पर खड़े थे उन्हें आवाज़ दी और सत्ता में भागीदारी दिलवाई। वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार को न्याय के साथ विकास वाला नेता माना जाता था। कितना न्याय, कितना विकास हुआ, ये कागज और आंकड़ों में है। लेकिन जो पिछले 10 सालों में बिहार की राजनीति बदली है, या 10 साल क्या, 8-9 सालों में जो बिहार की राजनीति बदली है, उसको देख करके आपको लगेगा कि अब यहाँ सियासत असल में हो रही है। क्योंकि इससे पहले लालू के नाम पर वोट हो जाया करता था, 15 साल लालू शासन में रहे, उसके बाद नीतीश कुमार के नाम पर वोट होने लगा, तो 15 साल नीतीश कुमार की तैयारी चली। इन सारी बातों को लेकर के अब जो नई राजनीति है और नई पौध आई है, हमने आपको पहले भी खबर में बताया है कि जो नई पीढ़ी आई है ना, ये एक अलग रिसर्च कर रही है। लेकिन कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव और इस नई पीढ़ी को लेकर के जो चर्चाएं चल रही हैं, कहा जा रहा है इनमें पोटेंशियल है। कई नेता हैं, एक लाइन से आप नेताओं की जो युवा पीढ़ी के हैं उनकी फहरिस्त आप देख सकते हैं। लेकिन अभी भी जो प्रभाव लालू प्रसाद का है और उसके बाद नीतीश कुमार ने जो नई रणनीति अपनाई है कि जीते किसी के साथ, गठबंधन किसी के साथ रहे, लेकिन सीएम की कुर्सी पर वही बैठेंगे, इसके पीछे कई तरह के प्लानिंग हैं, कई तरह की योजनाएं हैं, रणनीति है। इस रणनीति में सबसे पहली जो रणनीति नज़र आ रही है, हो सकता है कि बहुत लोगों को बुरा भी लगे, लेकिन खास करके राष्ट्रीय जनता दल के जो नेता हैं, जो लोग हैं वो, और युवा पीढ़ी के जो राजनीतिज्ञ हैं वो बहुत गौर से सुनेंगे, ध्यान देंगे और अगर संभव हो तो इस खबर को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर जरूर करेंगे, क्योंकि ये अलार्म है, घंटी बज गई है, अब छुट्टी होने वाली है। बच्चों को आप देखेंगे 7 पीरियड की जब घंटी खत्म होती है, अंतिम पीरियड में टुनटुनवा घंटी बजता है तो इतना तेजी से अपने क्लास से भागते हैं कि उनको इस बात का, जिस टीचर से वो इतना डरते हैं उसको भी भुला करके क्लास से भागना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल उसी अंदाज में अगर ये खबर आपको समझ में आ गई तो छुट्टी की घंटी की तरह आप एक्शन में आ जाएंगे। खबर यह है कि 2020 के चुनाव के बाद, हम तो 15 की भी चर्चा करना चाहते थे लेकिन 15 की कहानी कहने से कोई फायदा नहीं है। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात कि निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवा है, इसको याद रखिएगा तब ये आपको समझ में आएगा। हमने 2020 के चुनाव के बाद कहा था कि नीतीश कुमार 24 महीने भी एनडीए के साथ नहीं टिकेंगे और बहुत जल्द पाला बदलेंगे। ये खबर हमारी सच हो गई, ये आधार था हमारा, बेस था, और इसके पीछे बेस था कि नीतीश कुमार पूरी तरह से राजनीतिक रूप से खुद को कमजोर महसूस कर रहे हैं और अपनी ताकत बढ़ाने के लिए उनको युवा कंधे की जरूरत है। आप देखते हुए जब फाइट होता है WWF का, तो आप देखते हुए कि रिंग में कहीं अगर मजबूत पड़ गया कोई तो उसके साथ ही जो है रिंग में कूद करके उसको धोना शुरू करते हैं, बिड़िम बिड़िम। बिल्कुल उसी अंदाज में नीतीश कुमार कमजोर पड़ रहे थे तो उनको जरूरत थी अपने साथी की सहयोग करने की, और यह सहयोग कहीं ना कहीं उनको मिल भी गया। अब उनको सबसे ज्यादा नजर आ रहा था कि जो लालू प्रसाद का 15% का वोट है वो हम कैसे अपने पाले में कर लें और उसके आधार पर कैसे हम सत्ता में बरकरार रहें। इसको लेकर के आपने देखा होगा कि तेजस्वी यादव 2015 में जितना मजबूत हुए थे और लालू प्रसाद जिस तरह से चुनाव में नीतीश कुमार से अधिक सीटें लेकर के आए थे, उसी समय नीतीश कुमार को एहसास हो गया था कि उनका साख धीरे धीरे गिर रहा है और इसको पूरा करने के लिए उनको एक नए पैंतरे की जरूरत है। सीट तो वो जीत करके आ गए 70 से ऊपर, लेकिन उन्हें लग रहा था कि बड़े दल के रूप में अगर उनके सामने कोई है और उसका दबाव उन पर महसूस हो रहा है तो उन्हें क्या करना चाहिए। तुरंत उन्होंने पलटी मार दिया और भारतीय जनता पार्टी के साथ वो चले गए। जब भारतीय जनता पार्टी के साथ वो गए तो आपको पता है कि उसके बाद उनको फायदा क्या मिला। तो 2019 में, 2014
14 में जो अकाल पड़ गया था उनके लोकसभा सीटों का, मात्र 2 जीत करके आए थे, वहीं 2019 में 16 सीट जीत करके आए, इसका फायदा तो मिल गया उनको। और ये कहानी अब आगे बढ़ती है, 2020 में भी उन्होंने अपने मन मुताबिक फैसला करवाया, एक सीट आधा लेकर के उन्होंने अपने बड़ा भाई होने का एहसास भारतीय जनता पार्टी को कराया, सीट कम आने के बाद मुख्यमंत्री भी बन गए। लेकिन उसके बाद की कहानी शुरू होती है कि नीतीश कुमार की सीटें कम हुई तो उन्हें कैसे इसकी भरपाई करनी है और भारतीय जनता पार्टी को बैकफुट पर लाना है, उसकी रणनीति बना रहे थे, योजना बना रहे थे, और इस योजना की भनक हमें लग गई थी। हमने इसीलिए दावा के साथ कहा था कि 24 महीना से पहले नीतीश कुमार पाला बदल लेंगे। और अब नीतीश कुमार के बारे में हमारा कहना है कि बहुत जल्द हो सकता है कि 2024 से पहले भी नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मार दे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। इसके पीछे की रणनीति है कि नीतीश कुमार को सिर्फ तेजस्वी यादव का वोट चाहिए था और वो वोट वो धीरे धीरे ट्रांसफर करा रहे हैं। आपको याद होगा कि 2020 के चुनाव समाप्त होने के बाद कुशेश्वर स्थान और तारापुर में 2 उपचुनाव हुए थे। इन दोनों उपचुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी जदयू जीत करके आई थी, हालांकि ये दोनों सीट उन्हीं का था। लेकिन क्या जरूरी है कि आपकी सीट है तो आप ही जीतेंगे? लेकिन भारतीय जनता पार्टी का साथ मिला और कैडर वोट मिलने के साथ साथ तब दोनों को गर्मजोशी थी और तुरंत 2020 में चुनाव हुए थे, सबका ताज़ा संबंध था। भारतीय जनता पार्टी को भी लगता था कि नीतीश कुमार को रोक के रखना जरूरी है, इसलिए सीट जीतना जरूरी है, तो बड़ी मेहनत किया। आपने देखा होगा कि जैसे भारतीय जनता पार्टी अपने लिए मेहनत करती है वैसे मेहनत की, और कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के और लालू प्रसाद भी आए इस चुनाव प्रचार में, लेकिन उन सब को धत्ता बताते हुए दोनों सीट पर जीत जदयू की हुई। यानी 2-0 से राष्ट्रीय जनता दल पिछड़ गई। राष्ट्रीय जनता दल का जब वोट बैंक था वो भी ध्वस्त नजर आया। अब आगे बढ़ते हैं, इसके बाद आपको पता है कि कहाँ का चुनाव हुआ था? बोचहा का चुनाव हुआ, और बोचहा का सीट किसके पास था? एनडीए के पास था। बोचहा में भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार उतारा, तेजस्वी यादव ने अपना उतरवाया, और तेजस्वी यादव को खुश करने के लिए जिस तरह से अनमने ढंग से नीतीश कुमार ने बोचहा में चुनाव प्रचार किया, ये उसी समय तय हो गया था कि नीतीश कुमार अब भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं रहेंगे। क्योंकि बोचहा जाने से पहले अगर वो जाते हैं किसी अन्य पार्टी के, किसी अन्य दल के, किसी अन्य जिसकी वोट बैंक वहां बेहतर हो, उस कार्यक्रम में जाकर के तब बोचहा पहुंचते हैं, तो इसका सीधा मतलब है कि वो नहीं चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी यहां से जीते। और तेजस्वी यादव को चूंकि पासा फेंकना था, इसलिए उन्होंने तेजस्वी यादव को बोचहा का चुनाव जीतने के लिए मदद कर दिया। ये मदद इंटरनल हुई थी, और इसलिए हम कह रहे हैं कि इंटरनली प्रोग्राम जबरदस्त चल रहा है, गेम चल रहा है। इसके बाद आया मोकामा और गोपालगंज का चुनाव। मोकामा और गोपालगंज के चुनाव में नीतीश कुमार एनडीए छोड़ करके महागठबंधन में आ गए थे। ये कहा जा रहा था कि लौकुश समीकरण और MY समीकरण मिल करके एक नया खेल रचा जाएगा, भारतीय जनता पार्टी भी डर रही थी। लेकिन नीतीश कुमार का गेम गजब का गेम है। नीतीश कुमार को यह पता था कि तेजस्वी यादव को यहां कमजोर अगर नहीं किए तो उनकी बादशाहत जो है वो बरकरार नहीं रहेगी, और नीतीश कुमार ने इन दोनों मैच में कोशिश किया कि हरा दें। लेकिन चूंकि आपको पता है कि जदयू के उम्मीदवार को ही भाजपा में भेजा गया था और वो चुनाव लड़े थे, अब ऐसी स्थिति में अगर अनंत सिंह का अपना वोट बैंक नहीं होता तो मोकामा का चुनाव वो हार गए होते। वहीं गोपालगंज की बात करें तो गोपालगंज भाजपा की थी और भाजपा ही जीती, जबकि MY और लौकुश समीकरण मिलने के बाद यह सीट हर हाल में गोपालगंज की जीतनी चाहिए थी, क्योंकि यहां से नीतीश कुमार की ताकत का पता चलता और तेजस्वी यादव के आगे बढ़ने का रास्ता भी बनता। लेकिन नीतीश कुमार को उनके वोट बैंक पर अपना आधिपत्य जमाना था, न कि तेजस्वी यादव को आगे बढ़ाना था। कई लोग ऐसे कह रहे हैं, कई पत्रकारों का, कई मीडिया चैनल से मैंने सुना है कि बार बार नीतीश कुमार जो हैं वो तेजस्वी यादव को प्रधानमंत्री की मीटिंग, केंद्रीय मीटिंग में भेज रहे हैं, यानी आगे बढ़ा रहे हैं। भैया, सीढ़ी अगर 20 हो और 18वें सीढ़ी पर कोई आपके पैर में फंदा फंसा करके घींच दे तो कैसे वो आपको ऊपर पहुंचा रहा है, यह बात आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। गोपालगंज का चुनाव हारने का सबसे बड़ा कारण था कि लौकुश वोट ट्रांसफर नहीं हुआ और नीतीश कुमार चुनाव प्रचार में नहीं गए। इसके बाद कुढ़नी का चुनाव आता है। हम ये पूरी कहानी इसलिए आपको बता रहे हैं कि जहां एक तरफ तेजस्वी यादव को भ्रम हो गया है कि लालू प्रसाद और नीतीश कुमार
एक बार फिर से एक हो गए हैं, और नीतीश कुमार के साथ आने से उनका वोट बैंक ट्रांसफर हो जाएगा, तो वो आने वाले समय में 2024 में उनको 40 की 400 सीट मिल जाएगी, 2025 में कोई दूर दूर तक नहीं रहेगा, और मुख्यमंत्री की कुर्सी चुनाव से पहले ही उनको दे दी जाएगी। ये सारी बातें भ्रम का है, ये माया जाल है। और कुर्नी के चुनाव हारने के बाद, और कुर्नी के चुनाव में तेजस्वी यादव से वो सीट छीनने के बाद नीतीश कुमार का उस सीट पर हार जाना, ये साबित करता है कि नीतीश कुमार एक बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं। क्योंकि आपको जैसा कि पता है कि पांच सीटों में, इन पांच सीटों में दो सीटों पर कहा जाए तो जीत, यानी अब टोटल मिलाकर के छह सीटें हो गई, और छह सीटों में चार सीटों पे एनडीए की जीत और दो सीटों पे महागठबंधन का फिसल जाना इस बात की तरफ इशारा करता है। और वो भी बोचहा की सीट के बारे में कोई नहीं जानता है कि वहां अगर मुकेश सहनी खड़ा नहीं किए होते अपने उम्मीदवार तो भारतीय जनता पार्टी आराम से जीत गई थी, लेकिन संवेदना का वोट था और भारतीय जनता पार्टी को कमजोर करने का, चूंकि नया नया जोश था, बाहर निकले थे एनडीए से मुकेश सहनी, पूरा जोश के साथ चुनाव लड़े, उसका फायदा मिल गया। तो ये पूरी कहानी जो है इशारा कर रही है कि नीतीश कुमार के चक्रव्यूह में पूरी तरह से तेजस्वी यादव फंस गए हैं, और लालू की जमीन पर फूल खिलाने का, कमल खिलाने का और कमल की खेती का पूरा पूरा प्रबंध हो गया है। आपको बहुत जल्द बिहार में भी हर खेत में कमल ही नजर आएगा, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है, और यह अनुमान और कोई नहीं लगाएगा, इसी चैनल पर लगेगा, क्योंकि धीरे धीरे समीकरण टूट रहे हैं और भाजपा अपने समीकरण को छोटे छोटे दलों को लेकर के बढ़ा रही है। यानी कि अगर छोटा प्लॉट भी है तो उस पर भी कमल की खेती करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपना बेड़ा लगा दिया है। इंटरनल खबर में यही, अगली खबर में जल्दी ही मुलाकात होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।